सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि थ्री टाइप्स ऑफ स्वॉर्ड्स में हम लोग कितने ज़ॉम्बीज को मार सकते हैं। पिछले वाली वीडियो में हमने वुड, स्टोन और आयरन तीन प्रकार के स्वॉर्ड का मदद लिया था, लेकिन इस बार हम यूज करेंगे डायमंड, गोल्ड और नेदरराइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गोल्ड के स्वॉर्ड से ट्राई करने वाले हैं कि आखिर हम लोग कितने ज़ॉम्बीज को मार सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में भूल गया था कि ज़ॉम्बीज धूप से जलने लग जाते हैं, तो मैंने झट से वेदर को चेंज किया। ये वाला थोड़ा सा कवच वच पहन के आ गया था तो बच गया। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ 10 ज़ॉम्बीज को स्पॉन करवाया एंड उसके बाद सबको धोना चालू कर दिया। गोल्ड के स्वॉर्ड से मेरे को यही उम्मीद थी, गोल्ड का स्वॉर्ड जरा से ज़ॉम्बीज को मारने के बाद ही टूट गया। पिछली बार आयरन गोलम के साथ भी गोल्ड के स्वॉर्ड से यही हुआ और था। बीच में ज़ॉम्बीज मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गए थे, इसलिए मैं ऊपर आ गया। तो यहाँ पास बारी थी डायमंड के स्वॉर्ड। सो डायमंड के स्वॉर्ड में 10-10 ज़ॉम्बीज को स्पॉन करा के सबको धोए जा रहा था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन यहाँ पास मैंने 20 ज़ॉम्बीज को मार दिया था, तो इस सबको छोड़ो और मैंने यहाँ पे छोटा सा जुगाड़ बनाया है। तो यहाँ पास मैंने छोटा सा केज बनाया और केज बनाने के बाद सबसे पहले तो 50 आयरन गोलम को स्पॉन करा दिया और उसके बाद में अंदर चला गया और सबको कूटने लग गया। सबसे आसान और सबसे सही तरीका मेरे को यही लगा, इससे टाइम भी बचेगा और बड़ी आसानी भी होगी। और डायमंड के स्वॉर्ड में तो मेरे को पता है कि बहुत से ज़ॉम्बीज मरेंगे, तो इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। आयरन गोलम क्या होता था, आयरन के बने रहते थे, इसलिए उनको मैं थोड़े मार ही देता था। कुछ ज़ॉम्बीज बिना आर्मर पहन के आते हैं और कुछ ज़ॉम्बीज आर्मर के साथ ही स्पॉन हो जाते हैं। जो आर्मर पहने रहते हैं उन्हें कम डैमेज मिलता है, हाँ मतलब वो स्वॉर्ड को ज्यादा डैमेज दे देते हैं, खुद को कम डैमेज देते हैं। कुछ कुछ छोटे ज़ॉम्बीज इसके अंदर भी घुस जा रहे थे मेरे केज के, और यहाँ पे 30 ज़ॉम्बीज को मैंने बीच में और स्पॉन करवा दिया था, जिससे टोटल 100 ज़ॉम्बीज में मार दूंगा और फिर बाद में पता चली जाएगा कि एक डायमंड के स्वॉर्ड से हम लोग कितने ज़ॉम्बीज मार सकते हैं। तो यहाँ पास थोड़ी देर के लिए मैं बाहर निकला था, सभी ज़ॉम्बीज ने मेरे को निपटा दिया। तो यहाँ पास डायमंड के स्वॉर्ड से मैं कितने ज़ॉम्बीज को मार सकता हूँ ये तो मेरे को पता चली गया है। डायमंड के स्वॉर्ड से मैं टोटल 250 ज़ॉम्बीज को मार सकता हूँ, 250। अब पारी थी नेदर के स्वॉर्ड को ट्राई करने की, बट नेदर के स्वॉर्ड को ट्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने 200 ज़ॉम्बीज को स्पॉन करवा दिया, मगर ये कुछ ज्यादा ही हो गया, फिर क्या हुआ होगा जान सकते हो। तो यहाँ पास इनको साफ करने के लिए मैंने आयरन गोलम को स्पॉन कराया एंड उसके बाद उन सभी ने कचरे को साफ कर दिया। तो जहाँ तक बात रही नेदर के स्वॉर्ड की, उसमें से तो बहुत 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 ही ज्यादा ज़ॉम्बीज मरेंगे, लगभग 600-500। तो आगे का कंटेंट कमेंट करके बताओ और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ। हर हर महादेव।